हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। व्याग्रा या टेडलाफिल का हायर डोज बार बार लेने से बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इससे बेनिफिट होता है या फिर इससे साइड इफेक्ट हो सकता है, तो अगर आप भी इसको एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि पूरी दुनिया में कितने तरह के कॉन्डम अवेलेबल है, किस किस टाइप के कॉन्डम मिलते हैं, तो अगर आप भी इसके सारे टाइप के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ टेडलाफिल और व्याग्रा। जिन लोगों को पता नहीं है ये मेडिसिन किस काम आती है, तो मैं बता दूँ, मेडिसिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में काम आती है। अगर आपके लिंग में तनाव नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स करने के लिए, तो ये टेबलेट इस ट्रीटमेंट में काम आती है और आपके लिंग में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके लिंग में हार्ड इरेक्शन देती है, जिससे आप संबंध बनाने का देर तक मज़ा ले पाते हैं। तो अब आते हैं सीधे सवाल पर, क्या होता है इसका हायर डोज बार बार लेने से, निगेटिव असर पड़ता है या पॉजिटिव, साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या बेनिफिट मिल सकता है। इसका हायर डोज लेने से आपको बेनिफिट तो होता है, आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है, आपका इरेक्शन लंबे समय तक रहता है और आप सेक्स को पूरा इंजॉय कर पाते हैं। बट अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर आप इसका हायर डोज कंटिन्यू लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो ये टेबलेट आपको हार्ड इरेक्शन के साथ साथ इंजरी भी दे सकती है लिंग में। इससे आपको प्रोलॉन्ग की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोलॉन्ग में आपका इरेक्शन जल्दी जाता नहीं है और आपका लिंग हार्ड इरेक्शन के साथ खड़ा रहता है, जिससे आपके लिंग में इंजरी भी हो सकती है। प्रोलॉन्ग लिंग के नसों को डैमेज भी कर सकता है संबंध बनाने के दौरान। आपको प्रोलॉन्ग से डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है बार बार इरेक्शन आने या तनाव आने के कारण। टेडलाफिल या व्याग्रा का हायर डोज लेने से यह आपकी बॉडी में बहुत ही देर तक रहता है, तो अगर इससे बाई चांस साइड इफ़ेक्ट हुए तो साइड इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी में देर तक रह सकता है। अब इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो बार बार इसका हायर डोज लेने से एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपकी बॉडी इसके डोज को एक्सेप्ट ही ना करे, आपकी बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स ना करे इसके डोज लेने के बाद भी, आपको इरेक्शन मिले ही ना। इसको और अच्छे से समझे तो इसमें आप जब इसके डोज को लेते हैं शुरू में तो ये अच्छे से असर करती है आपकी बॉडी में, बट बाद में आपकी बॉडी में इसका असर होना बंद हो जाता है। इसलिए इसका कभी भी लोअर डोज लेना चाहिए, ये काफ़ी सेफ होता है अगर आप खुद इसे ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आपके डॉक्टर इसका हायर डोज आपको दे रहे हैं तो ये सेफ होता है, क्योंकि आपके डॉक्टर आपकी बॉडी को एनालाइज करने के बाद, रिपोर्ट जाँच करने के बाद ही आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। आपके डॉक्टर आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए इसका हायर डोज देते हैं और धीरे धीरे प्रॉब्लम क्योर होने के साथ साथ इसके डोज को घटा भी सकते हैं। अब बात करते हैं एडवाइस की। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप ये मेडिसिन खुद ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए इसका लोअर डोज लेने की, ये काफ़ी सेफ होता है और इससे साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं और आप इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं। बट अगर आप इसके हायर डोज को कंटिन्यू ले रहे हैं तो 2 से 3 हफ्ते का गैप जरूर रखिए या डॉक्टर की सलाह पर ही लीजिए, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। कई लोगों को इसके डोज से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कई लोगों को इससे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है जो 4 से 5 घंटे में अपने आप ठीक हो जाता है। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है इस पर अलग से ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको हो ही, ये किसी को होते हैं और किसी को नहीं भी हो सकते हैं। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा सर दर्द है, जो अक्सर सभी को हो सकता है, जो अपने आप ठीक भी हो जाता है। तो होपफुली आप जान गए होंगे कि इसके हायर डोज को बार बार लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।